वी आर गोइंग टू डू फेलियर्स ऑफ प्लानिंग टूडे. वी हैव डन अचीवमेंट्स, नाउ वील डू फेलियर्स. नंबर वन, एब्जेक्ट पॉवर्टी. अराउंड 21% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन. नेक्स्ट, 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर दे आर लिविंग इन इंडिया. नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इंडिया हैज ऑलवेज बीन इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पायरल, मतलब वेज प्राइस स्पायरल में हमेशा ही उलझा रहता है इंडिया. एंड बिकॉज ऑफ दिस, महंगाई की वजह से गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, मतलब गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज ऑलवेज इंक्रीज्ड. अनएम्प्लॉयमेंट. एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान अराउंड 53 लाख वर अनएम्प्लॉयड, एंड बाय द एंड ऑफ 11th प्लान और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई अनएम्प्लॉयमेंट, 4 करोड़. ठीक है. नेक्स्ट, inadequate infrastructure. Actual growth have failed to meet the target growth. हमारी railways, हमारे roads, ये सब इस time पर inadequate हैं population की comparison में. Next, skewed distribution. Skewed distribution means there will be a high gap between rich and poor. Those who are rich will become richer and those who are poor, they are poorer. सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी एक मेजर कंसर्न था हमारी प्लानिंग का और वही हम लोग अचीव नहीं कर पाए. दैट्स ऑल.